ठीक है, तो कल हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी जो होती थी क्या होती थी, अगर किसी दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस होगा, मतलब सेम प्राथमिकता जो होगी, तो उसमें से कौन सा सबसे पहले सॉल्व होगा वो हम लोग को डिसाइड करना होता था। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग इसको इतने मतलब ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो सी कंपाइलर कर देता है अपने आप। ठीक है, हम लोग को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपाइलर के अंदर पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं और हम लोग को कैलकुलेशन करके मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, एसोसिएटिविटी इज ओनली व्हेन यूज व्हेन देयर आर टू और मोर ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, एसोसिएटिविटी रूल कब हम लोग यूज करेंगे, जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो। ठीक है, आए समझ में, दोनों का प्रेसिडेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है इसका, ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी। जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, अगर सबका प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, तो उसका एसोसिएटिविटी भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज नेसेसरी, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी वे फॉर द कंपाइलर टू डिसाइड इवेल्युएशन ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन विच हैव टू ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस एंड डिफरेंट एसोसिएटिव, फॉर एग्जाम्पल प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या है, सेम एसोसिएटिविटी रखता है। ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होगा, तो क्या फॉलो होगा वहाँ पे, लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा। ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट में जाते समय जो जो ऑपरेटर पहले आते जाएंगे उसको वो सॉल्व करते जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो इसका इवेल्यूएशन होता है, इवेल्यूएशन मतलब सॉल्व करना जो भी होता है, वो सारा कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, वो कंपाइलर अपने आप करते जाता है उसको। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आता है यस थर्ड सर। पॉइंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जो हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे, तो उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स, सॉरी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अगर प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए प्लस प्लस, ये हो गया पोस्ट फिक्स। ठीक है, प्लस प्लस ए, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। दोनों का एसोसिएटिविटी जो होगा, प्रेसिडेंस होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों ऑपरेटर जो है अलग अलग टाइप के काम करते हैं, काम एक ही करते हैं लेकिन उसका तरीका अलग होता है इन लोग का। ठीक है, तो दोनों का जो प्रेसिडेंस होगा, दोनों का अलग अलग होगा। क्लियर, दोनों का प्रेसिडेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का प्रेसिडेंस अलग अलग होने की बात होती है, तो एसोसिएटिविटी मतलब लेफ्ट टू राइट ही यूज होता है। क्लियर, लेफ्ट टू राइट ही यूज होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं, कॉमा हैज लीस्ट प्रेसिडेंस अमॉन्ग ऑल ऑपरेटर शुड बी यूज्ड केयरफुली। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर जो होता है वो बहुत कम प्रेसिडेंस में होता है, मतलब एकदम आखिरी आखिरी में होगा, एकदम उसका प्रेसिडेंस बहुत कम होता है। ठीक है, देयर इज नो चेनिंग कंपेरिजन इन सी। ठीक है, कोई भी चेनिंग कंपेरिजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, चेनिंग कंपेरिजन मतलब क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक जो अगर हम लोग वैल्यूज में कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अगर वो उसका ऑर्डर जो है, ठीक है, तो उसके बीच में चेनिंग होती है इस टाइप का, जैसे सी इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, इस टाइप का अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या किया जाता है,
चेनिंग की जाती है, ठीक है। तो ये चेनिंग यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे चेनिंग नहीं होती, तो हम लोग को बस इतना ही याद रखना। अगर दो, आवाज रुक रुक क्या आ रहा है? हाँ हेलो, हेलो, आवाज कट कट क्या आ रही है आपकी? अच्छा सभी का हो रहा है क्या? नो नो सर, सर, है ना, क्योंकि आज नेट एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग को इसमें दो ही चीज़ याद रखना है, एक तो प्रेसिडेंस, ठीक है, कौन से ऑपरेटर की कौन सी प्राथमिकता है, और अगर दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस होगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। क्लियर आया समझ में? ठीक है, इसका एक यस टेबल है सर। अलग अलग ऑपरेटर्स का, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है, जैसे ये पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस जो होगा, अगर उसका सेम एसोसिएटिव, ये पूरे सेम एसोसिएटिव बेटा, ठीक है, ये ब्रैकेट डॉट, ठीक है, उसके बाद ये मेंबर सिलेक्शन पॉइंटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अगर सेम एसोसिएट मतलब सेम प्रेसिडेंस होता है तो लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, यूनरी प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, प्रीफिक्स के अलग अलग होगा, पोस्ट फिक्स के अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो, पोस्ट फिक्स अगर होगा तो लेफ्ट टू राइट होगा, प्रीफिक्स होगा तो राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को सोचना नहीं है, वो सब कंपाइलर करते रहता है अपने आप। बस हम लोग को इस जानकारी में रहना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है ये, है ना। एग्जाम में अगर आएगा तो ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस दो इतने पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये लिखना है, ठीक है, ये वाला हम लोग को लिखना है, ये एग्जाम्पल देना है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ये वाला लिखोगे और ये एग्जाम्पल दोगे, बस इतना ही हम लोग को करना है। अगर हम लोग को मतलब जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो चार पॉइंट भी और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इतना सारा किसी को याद भी नहीं रहता, और हम लोग को याद रखने की ज़रूरत क्यों जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो है ना। तो बस हम लोग को पता रहना चाहिए कि उसका क्या क्या होता है। तो इसी ऑर्डर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, सबके अलग अलग प्रेसिडेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बहुत सारे लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व होते हैं मैक्सिमम, कुछ कुछ जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग को इतना सोचना नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते रहते हैं तो हम लोग इतना सोचते नहीं हैं। जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली जो सी कंपाइलर है वो सॉल्व करते जाता है वो। ठीक है, तो उसमें जिसका दिमाग लगेगा वो किसका लगेगा? सी कंपाइलर का लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर पे प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो हम लोग मैन्युअली करने के लिए थोड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ कंपाइलर करते रहता है। ठीक है, तो उसका एक बार नज़र मार लेना, नोट्स में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी को भी यूनिट 1 में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट है मैं एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, अमृता प्रजापति, डाउट है यस क्या? सर। कुछ डाउट है? कुछ सर अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने दूसरा सब्जेक्ट कर रही थी। अरे ऐसा मत करो, यस सर, करूंगी स्टार्ट। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर समझ रहे हो ना, एग्जाम तक तो पूरा इतना तो ये तो पांचों समझ आ गया, पहले पांचों यूनिट छूट जाएगा। का नहीं किया ना, तो अटेंड नहीं किया था। नोट्स लिख लिए हो? नहीं अभी अभी शुरुआत की है।
नोट्स लिखना है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल गया है, जो भी लैंग्वेज समझ में आ रहा है उसमें लिखते जाओ। सर। और सर अगर नेक्स्ट टाइम अगर डाउट हुआ तो, और ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? अनामिका ठीक है कुमारी, सर। यस हाँ कोई डाउट है बताओ। अच्छा नहीं सर, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं। ठीक है। अरविंद, यस सर, कुछ डाउट है? नो डाउट सर। देखो पढ़ते समय दो ही रूल होता है, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। मनीष, सर इल्स और विल्स बताइए तो, एक बार क्या? इल्स इल्स वाला, इल्स और विल करके है ना सर? इल्स और विल पढ़ लियो क्या पहले से? नहीं सर, वो यूनिट वन में है कि तो मेरा ना बुक देख रहा था, थोड़ा याद आया इसलिए पूछ रहा था। हाँ वो आएगा, टॉपिक आएगा, टॉपिक ही नहीं आया ना अभी तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हाँ करना चाहिए कभी ठीक भी प्रोग्रामिंग को, ठीक है? एकदम से पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे तो गिर है जी जाओगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलो, सर। ठीक है? ओके। और उसके बाद कौन है? आयुषी, यस सर, वो क्या बोलते हैं जो हम लोग, सर बोलो बोलो। हेलो सर, हम लोग यूज करते हैं जैसे कि स्लैश एंड ये सब, तो मतलब किस चीज में यूज होता है वो पता ही नहीं चलता। स्लैश एन तो प्रिंट एफ में यूज होता है, बताया तो हूँ कितने बार, हर प्रोग्राम में यूज किए मावा। नहीं सर, मतलब उसका मतलब मेन मेन काम स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, एस्केप सीक्वेंस में बताया था ना यार, ये देखो ना एस्केप सीक्वेंस दिखाता हूँ, नोट्स में क्या है, पढ़े नहीं हो ना नोट्स कभी, खोल के देखे हो? ये देखो पूरा हाईलाइट करके दिखाया हूँ मैं, है? हाँ यस सर, बताया था ये सर। देखो नहीं सर, अभी अभी ज्वाइन। अभी अभी ज्वाइन करो, नोट्स तो देखो कम से कम, कब ज्वाइन किए हो? अभी तो 4 और डे बस हुआ सर। अच्छा बहुत पहले ज्वाइन किया हो बेटा, मेरे को मत बताओ, ठीक है? सर नेटवर्क ही इशू होता है यहाँ ना, तो नेटवर्क इशू होता है बार तो बार लीव हो लेक्चर्स जाते अपलोड तो। होते हैं तो देखा करो उसको, लेक्चर्स तुम लोग के लिए अपलोड किया जा रहा है, हम लोग क्यों रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, यस ठीक सर, है? उसको देखो, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है उसको देखो, मूवीज वगैरह देखने में टाइम पास करते हो, कभी लेक्चर भी देख लिया करो, हम लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं बबलू नहीं यादव, सर, मूवी वूवी नहीं देखे। हाँ यस वो भी सर, आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? बबलू यादव बताओ, कुछ समस्या कोई दिक्कत कोई डाउट है किसी टॉपिक में नो जो डाउट समझ में आ सर। रहा? कोई डाउट नहीं है? भारती देवांगन, नहीं सर, यस सर, हाँ बताओ कुछ डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है, एकदम समझ में आ गया सबको, ठीक है? दीक्षिता, दीक्षितिता, दीक्षिता तो शायद न्यू ज्वाइन की है क्या? कुछ समझ में आया है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस सर आ रहे। और सर मैंने नोट्स बना रही हूँ, उसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजे हो, तो मैं हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख रही हाँ हूँ आप ना। लोग का क्या बीएससी है ना, बीएससी को वो ऑप्शनल रहता है, मतलब हिंदी में भी दे सकते हैं इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है? दोनों रहता है उसमें, यस जो भी मीडियम होगा सर, आपका उसमें दे सकते हो, है ना? हिंदी मीडियम में अगर एडमिशन लियो तो हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश मीडियम में लियो तो यस इंग्लिश सर, में लिखना होगा, है ना? यस ठीक है। दिव्या जोशी, सर। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है सर किसी मुझे टॉपिक में? सर मुझे प्रोग्राम के बारे में जानना है सर, इसका उपयोग कैसे करते, मतलब क्यों इसको बनाते हैं ये सब, क्यों और बनाते सर मैं हैं? कंपाइल करती हूँ ना तो इसमें एरर दिखाता है सर। अच्छा, क्या किस में कंपाइल करते हो, मोबाइल में? जी सर, ठीक है, देखो सही से टाइप करोगे ना, कुछ भी अगर गलती करोगे तो कंपाइल नहीं हो पाता है ना। अगर कोई भी एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेमी कॉलन होता है वो कभी छूट जाता है, कॉमा छूट जाता है, ठीक है? कभी हम लोग ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग ऊपर नीचे लिख देते हैं उसको, ठीक है? तो उस अगर सीक्वेंस में लिखोगे, सही से सब चीज़ यूज़ करोगे तो कंपाइल होगा, है ना?
जो भी प्रोग्राम बनाते हैं एक बार पूरा अच्छे से एक एक बारीकी से उसको चेक करना है हम लोग को, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा जी सर। लेकिन उसको खुद से चेक करना सीखो, ठीक है? तभी आप लोग याद रख पाओगे यहाँ यहाँ पे ये चीज़ लगाना पड़ता है, तभी सक्सेसफुली कंपाइल होता है ना। जी सर। सर इसका उपयोग मतलब कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? देखो प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं उसका उपयोग, ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सर हैकिंग का काम भी आता है। क्या बोल रहे हो? सर हैकिंग के काम में भी आता ना। हैकिंग के काम में आता है ना? हेलो आता है आता है आता है, काम आता है हैकिंग के लिए भी, ठीक है? वो कैसे हैकिंग अब वो के कैसे होता है, क्या होता है, जब हैकिंग करता है ना वही बता पाएगा यार, हम लोग तो हैकिंग करते नहीं है, लिए? ठीक है? गलत मुझे चीज़ हम लोग नहीं सिखाते हैं, ठीक है? उसका क्लासेस फिर अटेंड करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए अलग से कोर्स होता है एथिकल हैकिंग का, उसको कर सकते हो, है ना? ठीक है, देखो। हाँ हाँ बोलो। जैसे सर हम कहाँ लोग पास होता प्रोग्राम है? बनाते हैं तो उसको एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो हेलो। बताऊंगा जब लास्ट क्लास रहेगी ना, जिस दिन सी प्रोग्रामिंग की, ठीक है? हेलो, बताइए हाँ बोलो बोलो, ना सर। बता रहा हूँ ना, सुनोगे तब तो, ठीक है? जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना, जिस समय हम लोग सब पूरा प्रोग्रामिंग हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, उस दिन मेरे पास आना, ठीक है? जिस दिन लास्ट क्लास होगी सी प्रोग्रामिंग की, BCA फर्स्ट ईयर की, जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना उस दिन मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं उसका एप्लीकेशन। फिलहाल तो हम लोग को प्रोग्राम सीखना है, उसमें लॉजिक जो बना रहे हैं वो सीखना है, प्रोग्राम लिखते कैसे है वो सीखना है, ठीक है? बेसिक हम लोग चीज़ें जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जब हम लोग बचपन हम लोग सीखे थे ABCDEFGH लिखना सीखे थे, बोलना सीखे थे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम लोग चालू कर दिए सेंटेंस बनाना, ठीक है, डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना, बुक लिखना चालू कर दिए थे क्या? नहीं सीखे थे, ठीक है, पहले ABCD से चालू किए थे, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, ओके सर। ठीक है? धीरे 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 सब पता चल जाए, सब राज खुलेंगे अभी, ठीक है? नेक्स्ट कौन है? एलन, ठीक एलन जॉनसन। है। नो सर, नो डाउट सर। नो डाउट, एलन जॉनसन तो बढ़िया, अच्छे, सबसे अच्छा रिस्पांस करता है एलन जॉनसन, डेली प्रोग्राम बनाता है, ठीक है? गौरव सेन, थैंक गौरव, यू। हाँ कुछ यस डाउट है सर। पूछ, बताओ, पूछो। सर वो गेट्स गेट्स वाला समझ नहीं आया थोड़ा सा, और पुट्स वाला सर। अच्छा, गेट एस पुट एस ना, मैं यहाँ पे नोट करते जाता हूँ, ठीक है? तुम लोगों को क्या क्या डाउट है तो। यस सर। हाँ ठीक है, उसके बाद और किसी कुछ डाउट? जया साहू, यस हाँ कुछ डाउट है क्या? गेट सीएच वाला समझ नहीं आया था, बाकी क्लियर। गेट सीएस, गेट सीएस तो डेली यूज करते हैं हम लोग, हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है? मतलब जो अभी आप समझाए थे ना परसों, वो हाँ वाला। हाँ अच्छा, वो वाला, वो गेट एस पुट गेट केयर पुट केयर वाला ना, ठीक है, समझ गया, नहीं, ठीक है। और कुछ, और कोई टॉपिक में डाउट है? थैंक ओके ठीक है। यू सर। खिलेश्वरी, यस सर। हाँ कुछ डाउट है? सर जब से क्लास अटेंड कर रही है ना, तो क्लास का फर्स्ट डे अटेंड की ना, तो उसमें डाउट था, हाँ उसके बाद से सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना, क्या डाउट था फर्स्ट क्लास में? सर वो सी वगैरह प्रोग्राम, सी वगैरह बनाना सिखा रहे थे ना आप, हाँ, तो वही सी, समझ नहीं आया सर बस। तो सी प्रोग्रामिंग तो सिखा रहा हूँ मैं,
सर जब मैं फर्स्ट डे अटेंड की थी ना तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, उसके बाद से समझ आता है। अच्छा आता है ना समझ में, ठीक है और आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है यस डेली प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आते जाएगा, यस सर ठीक है। लिपिका कुमारी, यस सर लिपिका लिपिका है क्या ऑनलाइन? लीशा, यस सर कल की जो क्लास थी समझ नहीं आई थी, मैं अटेंड नहीं की थी। अच्छा अटेंड नहीं की हो क्या? उसका रिकॉर्डिंग आज डल जाएगा, उसको एक बार अटेंड देखना नहीं है ना, यस ठीक है। सर अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मंडे को मुझे बताना है ना, सर ठीक है। थैंक यू मानी उसके सर बाद है मोबिन, मोबिन अली सर कुछ है सर डाउट स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग से समझ में नहीं आ रहा था मेरे को भी, अभी समझ में आने लगा है। आने लग गया ना, ठीक है। प्रैक्टिस हाँ करोगे तो सर समझ में पहले आएगा में है ना, जी सर ठीक है। ओके प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके सर ठीक है। प्रांजल, प्रांजल अग्रवाल सर बताइए कुछ है, डाउट आउट है? सर मुझे वो स्कैनर्स वाला समझ नहीं आया, मैं वो क्लास अटेंड नहीं की थी। स्कैनर समझ में नहीं आया, ठीक है। उसका लेक्चर्स होंगे ऐप में अपलोडेड है, ठीक है, उसको देखना एक बार है ना, यस सर ठीक है। जो भी अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसका ऐप में डलता है, उसको देखा करो, ठीक है। उस डेट पे जाना, इस डेट का मैं अटेंड नहीं किया था या नहीं की थी तो उसको देख सकते हो ऐप में, ठीक है। प्रतीक देशपांडे, सर 2 नंबर को स्वैप करने वाला यूजिंग थर्ड वेरिएबल वो वाला। अच्छा थर्ड वेरिएबल, उसमें तो फॉर्मूला लगाना है बस। हाँ सर उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। विदाउट यूजिंग की विथ यूजिंग? सर यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला। ठीक है। और सविता, यस सर हाँ क्या डाउट है बताओ, कुछ है डाउट आउट? यस सर वो स्टार्टिंग में जब पढ़ती तो कुछ समझ ही नहीं आता था, स्क्रीन में ठीक से दिखता भी नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा समझ आता है। अच्छा आता है ना समझ में, ठीक है। यस सर हाँ तो समझो, हाँ प्रैक्टिस करो डेली, जो मैं प्रोग्राम कराता हूँ ठीक है, वो हर एक टॉपिक जो रहता है, देखो सीधी सी बात है सिंपल कि सी प्रोग्राम में पूरे प्रोग्राम से ही समझना है अपने को, है ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं समझोगे तब तक प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोग्राम के हम लोग रट के काम चला लिए, ठीक है। 12th तक जितना रटना था हम लोग रट लिए, रट के वही क्वेश्चन आता था, यहाँ पे वैसे नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग को रटना छोड़ना पड़ेगा और समझना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो इसको, ठीक है। जैसे मैथ्स को हम लोग बना बना के देखते हैं तब हम लोग समझ में आता है ना, हाँ प्रोग्रामिंग भी वैसे ही होता है, यस सर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फाइन होते जाएगा वो, ठीक है। फिर यस सर है जिशान शेख, जिशान अहमद, है क्या ऑनलाइन? हेलो हेलो हाँ कुछ डाउट है? सर, आज ही पहला क्लास है सर मेरा। आज फर्स्ट क्लास है? यस ओके सर न्यू एडमिशन है क्या? ठीक है ओके। यस सर शेखर, शेखर बिसाई, हेलो शेखर है ऑनलाइन? सर। कुछ डाउट है? शुरू में डाउट तो सर अब नहीं है। सर अब नहीं है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। श्वेता कापरे, मैं एक दिन प्रोग्रामिंग बनाई थी हेलो। स्वैप का, तो हाँ ना उस टाइम वो नंबर ना, पहले तो मैं ए इजिकल टू 10 डाली थी और बी इजिकल टू 20 डाली थी, तो फिर उसका इनपुट दे रही थी ना, तो फिर उसमें नंबर चेंज नहीं हुआ सर, वो 1310 हुआ। 1310, हाँ ए की वैल्यू 1310 बताइए और बी की वैल्यू 20 बताइए सर, अच्छा मतलब कुछ सॉरी आपको, 10 अच्छा सर। मतलब फिर उसके बाद मैं 3 बार बनाई तो फिर रन हुआ सर। हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोनाली सर। फिर ये ऐसे क्यों होता है, अलग से नंबर कुछ गड़बड़ी अगर हम लोग कर देते हैं ना उसमें, देखो कंप्यूटर को जो इनपुट दोगे ना वैसा वो आउटपुट देगा, और जैसा प्रोग्राम बनाएंगे ठीक है, अगर गलत चीज होगे तो गलत आउटपुट देगा। ठीक है, रोबोट पिक्चर देखे हो ना सब लोग? yes. तो रजनीकांत वाली रोबोट पिक्चर थी, ठीक है, उसको क्या yes, करते हैं वो कुछ रेड चिप वगैरह कुछ कुछ लगा के गलत चीजें बता देते हैं, तो गलत करने लग जाता है वो, है ना। उसको सही सही चीज दोगे तो सही सही चीज बताएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है ये, कंप्यूटर को सही जानकारी दोगे तो सही जगह वो काम करेगा, ठीक है। सही इनपुट दो तो सर वो तो मैं सही डाली थी, दो तीन बार चेक करी आपके, आप जो स्क्रीनशॉट भेजे थे उसका भी मैं चेक करी, बहुत बार बनाई हूँ सर, तब जाके मेरा स्वैप हुआ है नंबर। अच्छा अच्छा, हो सकता है शायद कुछ हो, मतलब मोबाइल से चला रहे थे क्या? नो सर, सिस्टम से। सिस्टम में हो सकता है शायद कुछ छूट गया हो, या फिर सही से सेव नहीं किया होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग सेव भी नहीं करते, हम लोग वैसे ही उसको रन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डॉट सी में सेव करना चाहिए उसको, ठीक है। डॉट सी में सेव करने के बाद भी अच्छा चलता है कभी, कोई कोई सिस्टम में चल जाता है, कोई कोई सिस्टम में सेव करने के बाद अच्छा चलता है ना, क्योंकि सही से एग्जीक्यूट में तो डॉट सी प्रोग्राम रहेगा तभी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुमित। सुमित है ऑनलाइन, सूरज साहू, कुछ डाउट है क्या सर? मेरे को यही यस सर, वो गेट पुट वाले में डाउट है। गेट पुट है ना, ठीक है। और कुछ डाउट है क्या किसी को? सर मेरे को टाइप कास्टिंग कंसोल, टाइप कास्टिंग, हेलो सर, कंसोल इनपुट आउटपुट टाइपिंग है और अनफॉर्मेटेड इनपुट, ठीक है, मतलब पूरा ही डाउट है, ठीक है। देखो टाइप कास्टिंग में अभी नहीं बताया हूँ। हाँ सर, गेट के, ठीक है, गेट सीएचई बचा हुआ okay, है sir. और टाइप कास्टिंग बचा हुआ है, टाइप कास्टिंग में अभी नहीं बता रहा हूँ इसको, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। टाइप कास्टिंग जो होता है सर, गेट केयर पुट केयर, हां गेट केयर पुट केयर, गेट एस पुट एस, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल सबको समझ में आ रहा है मतलब, है ना। और जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जिन लोग हार्डली दो तीन क्लास अगर अटेंड किए होंगे, पहले का किसी का छूट गया होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तीन दिन मैं स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो तीन दिन में जिसका छूट भी गया होगा वो कवर करना, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अगर डिटेल में चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो ऐप में डले हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जीवन कुमार, जीवन है ऑनलाइन? यस सर, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा पहले का छूट गया होगा, पहले का टॉपिक छूट गया होगा ना, पहले का? यस सर, हाँ, तो उसका जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ सर, उसको, हाँ, तो उसको देखना, स्टार्टिंग से देखना, ठीक है, हाँ, पूरा समझ में आने लग जाएगा। यस सर, ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है कि किसी को? सर बोलो। हेलो, बोलो 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 सर, ये एल वैल्यू एरर क्या होता है सर? L value error, मतलब सर मैं वो Getc वाला प्रोग्राम बना रही थी ना, हाँ, तो उसमें C H is equal to Getc फिर ब्रैकेट में S T D I N था, तो उसमें L value error बता रहा था सर, तो वो क्या होता है? किसमें डाले थे? Getc में ही लगे, Getc में लगेगा बस वो, है ना, और किसी में नहीं लगेगा।
हाँ सर, वो सेवेंथ लाइन करके आया था, सी एच इज इक्वल टू गेट सी ब्रैकेट में एस टी डी आई एन था और सेमीकोलन, तो वो लाइन में एरर बता रहा था कि एल वैल्यू एरर है करके, तो वो क्या एरर था सर समझ नहीं आया। काम करना, मुझे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेजना है ना ग्रुप में, या फिर मेरे को पर्सनली। सर ये एरर्स कितने टाइप के होते हैं सर? एरर का कोई टाइप नहीं होता है, एरर के कोई टाइप नहीं होते, ठीक है? एरर मतलब कभी सिंटैक्स एरर का? हाँ देखो देखो, एरर जो होते हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं मेनली। लॉजिकल एरर होता है, सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है, रन टाइम एरर होते हैं, ठीक है, दो तीन टाइप के एरर होते हैं, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा किसी दिन कौन कौन से एरर कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो अपन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो है फिर से पूरा रिवाइज कर लेंगे एक बार फर्स्ट यूनिट का, है ना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में अगर डाउट होने से आगे वाले यूनिट में तकलीफ होगा, है ना। ठीक है, ओके, चलो फिर और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। नहीं पूछना है?